राजधानी, जहाँ से देश संचालित होता है, जहाँ से देश की नीति निर्धारित होती है, तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा देश की सरकार चलाती है। लेकिन आज इस देश में बेजुबानों को जुबान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व महात्मा ज्योतिबा फुले जी का सत्य शोधक समाज की जो स्थापना उन्होंने की थी 150 साल पहले, आज दिल्ली में खास तौर से सैनी मौर्य कुशवा समाज ने इसकी पहल की है। लेकिन महापुरुष किसी जाति धर्म के नहीं होते। मैं देश के दिल्ली वासियों से अपील करता हूँ कि दिल्ली में 6,743 जातियों के पूरे भारत के हर स्टेट का व्यक्ति यहाँ रहता है। दिल्ली लगभग 1 करोड़ 60 लाख के लगभग लोग रहते हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ, मेरा नाम ओमपाल कश्यप, सज्जन लोक शक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सब समाज से अपील करता हूँ कि आप 24 सितंबर 11 बजे मंगोलपुरी पीरागढ़ी के पास एक सैनी भवन बना हुआ है पेट्रोल पंप के सामने, आप यहाँ पर आकर जो नारे के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इस देश की नारियों को और जो पिछड़ा दलित समाज है उसको दूध पिलाने वाला शेर हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले था, इन्होंने दूध पिलाया और सब लोग आज आगे बढ़े। हजार नहीं, कई बार बोलता हूँ, हजार नहीं, देश में 33 करोड़ देवी देवता पैदा हुए, लेकिन किसी भी देवी देवता ने और किसी भी भगवान ने ना तो हमारी दुख और तकलीफ सुनने का काम किया, ना उस पर प्रयास किया। धन्य हम लोग कि हमें महात्मा ज्योतिबा फुले के रूप में एक ऐसा मसीहा मिला, इसने लोकशाही में इस देश में हमें बराबरी का हक दे दिया, जीने का अधिकार दे दिया। साथियों, आज बहुत सारे लोग, सरकारी नौकरी करने वाले लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज वो कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हें सरकारी नौकरी कैसे मिली, कहते हमें भगवान की वजह से मिली, देवी देवताओं की वजह से मिली, नेताओं की वजह से मिली, पैसे दे करके मिली। हम उनसे एक बात कहते हैं कि 2-4 पीढ़ी पीछे पता लगाओ, तुम्हारे बाप दादा को नौकरी क्यों नहीं मिली। अगर इस देश में महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते तो हर जाति धर्म के लोगों को सरकारी नौकरी करने का हक नहीं मिलता। इसलिए आज उन महापुरुष की जो जिसके हम बात कर रहे हैं, जिनका आस्थापन दिवस है, उनके नाम पर मैं दिल्ली के लोगों को आह्वान करता हूं कि आइए आप सब लोग अपने विद फैमिली परिवारों के साथ, जैसे आप कावड़ लेने के लिए जाते हैं, कावड़ लेकर के लोग जाते कहते पाप कट जाएंगे, संकट कट जाएंगे, मैं भी 1-2 बार लाया हूँ, आप भी लेकर आए होंगे, आपके तो पाप कट गए होंगे, इसका मेरे पास पैमाना नहीं है। लेकिन अगर आपने इन महापुरुषों की कावड़ उठा ली तो हमारे समाज के पाप जरूर कट जाएंगे। इसलिए आइए सब लोग, वेलकम है, स्वागत है। मैं सब समाज से अपील करता हूँ कि 24 सितंबर को आप मंगोलपुरी आकर के इस भव्य कार्यक्रम में अपनी आहुति देकर इसको सफल बनाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।